पत्र है। इस मॉडल की सहायता से आप जान सकते हैं कि द्रव का दाब बर्तन कितने दिन में सबसे अधिक होता है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम यू आकार की ट्यूब में भरे रंगीन पानी के स्तर को लगे स्केल पर देख कर लिख लेते हैं। एक बाल्टी में पानी भरकर किप को पानी की सतह पर रखकर रंगीन पानी के स्तर को जांच लेते हैं। अब किप को धीरे धीरे पानी के अंदर गहराई में ले जाते हैं तो देखते हैं कि नली में रंगीन पानी का स्तर नीचे होता जाता है, जबकि दूसरे नली में रंगीन पानी का स्तर ऊपर बढ़ता जाता है। इस अंतर को स्केल पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बाल्टी की पेंदी पहुंचने पर द्रव के अधिकतम स्तर को देखा जा सकता है। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ कि तलिया पेंदी में द्रव का दाब सबसे अधिक होता है।